अंगरेज मधुमेह चटाला नाम है, शस्य श्यामलाम भारत जननी, तुमको कोटि कोटि प्रणाम है, तुमको कोटि कोटि प्रणाम है। आदरणीय महोदय, हमारे पूर्वजों का स्मरण सदाई प्रेरणा का कंठ स्रोत रहा है, उनकी जीवनियों का अध्ययन हमारे लिए सदाई शिक्षाप्रद, मार्गदर्शक एवं लाभकारी सिद्ध हुआ है। न केवल भारत अपितु इस विश्व की समस्त मानव जाति के लिए हमारा यह सांस्कृतिक एक आकर्षण का विषय रहा है। चलो आज फिर से वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल पे भी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची भी किनारे पे, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे देशभक्त की जो हमारी मातृभूमि की न होकर हमारे देश की देशभक्त थी। मैं बात कर रहा हूँ मिस मार्गरेट की, जो आगे चलकर भगिनी निवेदिता के नाम से विख्यात हुई। वे आयरलैंड के दुखी भारतीयों की सेवा करने हेतु हमारे भारत में आई थी। वतन हमारा ऐसे न छोड़ पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसे न तोड़ पाए कोई, दिल हमारा एक है हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा है हमें इसकी शान। महोदय, उन्होंने अपने जन्मभूमि को त्याग कर कर्म भूमि भारत को बनाया। ये भारत की महानता नहीं तो और क्या है? भारत की महानता के कारण एक विदेशी महिला हमारे देश की देशभक्त थी। भारत में आज भी जिन विदेशियों पर गर्व किया जाता है उनमें भगिनी निवेदिता का नाम पहली पंक्ति में आता है। मित्रों, भगिनी निवेदिता ने न केवल भारत की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले देशभक्तों की खुलेआम मदद की, बल्कि महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना पूर्ण योगदान स्वामी विवेकानंद के जरिए किया। स्वामी विवेकानंद से प्रभावित उनके इस भाषण शैली, निरंकारी और स्वभाव से वे इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने न केवल रामकृष्ण परमहंस के इस महान शिष्य को अपना आध्यात्मिक गुरु बना लिया। ये सलामी तिरंगे को जिसके तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। महोदय, बात उस समय की है जब हमारा देश अनेक कठिनाइयों से जूझ रहा था। उस समय पश्चिमी देशों से अनेक सेवाभावी हमारे भारत में सहायता करने हेतु आए, उनमें से एक मिस मार्गरेट भी थी, जो आगे चलकर भगिनी निवेदिता के नाम से विख्यात हुई। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी तो चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत उन्होंने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। महोदय, इस कथन से प्रेरित इस महान सैनिक का जन्म सन 1867 में हुआ था। ये बड़ी सुंदर एवं आकर्षित लड़की थी। इनके पिता का नाम मिस्टर सैमुअल ग्रोवर एवं माता का नाम लेडी हैमिल्टन था। इनको अपने पूर्वजों से कई गुण विरासत में मिले थे। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सोए। महोदय, जब मार्गरेट के पिता सैमुअल ग्रोवर 34 वर्ष के थे तभी उनको काल यहाँ तक पहुंचा, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी अंतिम सांस चल रही थी तभी उन्होंने मार्गरेट की माँ को बुलाया और कहा कि जब कभी भी गुलाब आए मार्गरेट को जाने देना, इस प्रकार मार्गरेट अपनी उपयोगिताओं का उपयोग कर बड़े गर्व में कर दिखाएगी। धीरे धीरे मार्गरेट बड़ी हुई, पढ़ने और पढ़ाने में उनकी बहुत रुचि थी। मित्रों, वो कहते हैं ना, गुरु के बिना ज्ञान कहाँ, ज्ञान बिना मान कहाँ, गुरु ने दी शिक्षा जहाँ सुखी सुख है वहाँ। मित्रों, 1895 की बात है, मार्गरेट की एक सहेली ने एक भारतीय साधु से उनकी मुलाकात कराई। वे भारतीय साधु कोई और नहीं, स्वामी विवेकानंद थे। जब वो एक बार स्वामी जी के प्रवचन सुन रही थी तभी स्वामी जी ने कहा कि आज संसार को ऐसे 20 पुरुष और 20 महिलाओं की जरूरत है जो अपने आप को जन सेवा में समर्पित कर दे। स्वामी जी ने पूछा, आप में से ऐसे कोई है? तभी मार्गरेट ने दिल से आवाज आई कि वो मैं हूँ, पर मैं बोल नहीं सकती। तभी स्वामी जी ने उसकी तरफ देखकर कहा कि भारत की महिलाओं के कल्याण एवं शिक्षा के लिए मेरे पास विभिन्न योजनाएं हैं, क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगी? तभी मार्गरेट ने उनको अपना आध्यात्मिक गुरु बना दिया, अपना आध्यात्मिक गुरु बना दिया। बात करते हैं निम्न होता है मन बेकाबू, मिट्टी से आने लगती है सोनी सोनी सी खुशबू। सावन बादों की ऋतु में जब कोयल गीत सुनाती है तब हर परदेशी लोगों को भारत की याद सताती है। महोदय, अब मार्गरेट के चारों तरफ आवाज गूंज रही थी कि भारत उन्हें बुला रहा है। स्वामी जी की आवाज गूंज रही थी कि भारत उन्हें बुला रहा है और मार्गरेट ने निर्णय कर लिया कि भारत को उसकी जरूरत है और वह भारत आ गई। कागज पे निवेदिता ने भी जिंदगी लिख दी, आजादी से सींच कर उनकी खुशी लिख दी। लोगों ने जब मदद पुकारी लफ्जों से, लोगों ने कहा वाह, एक परदेशी ने हमारी मदद कर दी। मित्रों, अब मार्गरेट ने भारतीय जनता की खूब सेवा करी और भारत की ही होकर रही। उसे नाम दे दिया गया भगिनी निवेदिता, अर्थात जनता जनार्दन की सेवा में जीवन समर्पित करने वाली। मित्रों, 3 जुलाई 1902 को स्वामी जी ने समाधि ले ली। अब स्वामी मार्गरेट को स्वामी जी का सौंपा हुआ कार्य पूरा करना था, यानी कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। मार्गरेट ने लोगों की खूब सेवा करी, उन्हें आराम तो पता ही नहीं था कि होता क्या है। जूझने का उनका इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका इरादा न था, रास्ते में वे खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी उनके पड़ी हो गई। मित्रों, 11 अक्टूबर 1911 को मैं अपने कमरे में लेटी थी और अचानक बोल उठी कि मेरे ये जीवन की भटकती हुई नाव अब डूबना चाहती है, मुझे उज्जवल भविष्य की किरणें दिखाई।
खंड शब्द दे और यह भगनी के बेटे दक्षिण इंद्रा में छोड़ेंगे जिसने अपना भारत के लिए सर्वस्व बचावर कर दिया। जूझने का उनका इरादा न था, बोर्ड पर मिलेंगे इसका इरादा न था, रास्ते पे तो खड़ी हो गई, जिन यो लगा जिंदगी उससे खड़ी हो गई। मित्रों आज मैं जब मेरे सभी अतिथिगण छात्र एवं आचार्य से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जीवन में निवेदिता की जीवनी का अध्ययन करें एवं उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करें। महोदय मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मौत की उम्र क्या है ये कल भी नहीं, जिंदगी का सिलसिला आज कल का नहीं, मैं जीवन जीवन में मरते मरी लौट कर आई निवेदिता, मैं मरते मरते जय हिंद कह गई। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत।